परम सन्मान योग देश अते विदेश विच वसदियां समुचियां सिख संगतां दे चरणां विच दास दोवें हथ जोड़ के सिनेमर गुरफतेह अर्ज करता है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पिछले कुछ दिनों तो कुछ व्यक्तियों वालों धन धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी की मूल स्वरूप जो बाणी है, जो उन्होंने रचना है, उस बाबत कई तरह का प्रापेकंडा किया जा रहा है। मैं संगतां नूं यह बेनती कर देनी चाहुंदा कि दशमेश पिता जी ने जो दसम की बाणी वख वख थावां ते वख वख स्थानां ते जिवें श्री आनंदपुर साहिब, पौंटा साहिब, दीना कांगड़ गुरद्वारा, श्री जफरनामा साहिब, विभौर साहिब, इन्हां स्थानां ते जो दसम की बाणी उचारण की सी, वो सारी बाणी का अमर शहीद धन धन भाई मनी सिंह जी और दमदमी टकसाल के पहले मुखी अमर शहीद धन धन बाबा दीप सिंह जी द्वारा उस बाणी के स्वरूप जो सन आप हथी लिख के सिख संगतां दे विच उस गुरबाणी के स्वरूपां दे राही संगतां नूं दशमेश पिता जी की रचना दे नाल जोड़ना किया। अज कुछ लोग श्री दसम ग्रंथ साहिब जी तो बाहरली जो रचनावां हन उन्हां नूं दशमेश पिता जी दीआं रचनावां सिद्ध करन दा यतन कर रहे हैं। मैं मूल रूप दे विच आप संगतां नूं दसना चाहुंना कि जो दशमेश पिता धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी की मुख उन्हां दी पावन रचना, उन्हां दी पावन मुखारबिंद तो बाणी है, उस दा जिहड़ा वेरवा वो इस प्रकार है और जिस दी सारी नंबरवार नंबर श्री दसम ग्रंथ साहिब जी दे विच सारी बाणी शामिल कीती हुई है। पहली बाणी श्री जाप साहिब, दूसरी श्री अकाल उस्तत साहिब जिस दा नाम उतार खादसे दस्खत का पातशाही दसवीं, इस तो अगे विचित्र नाट ग्रंथ लिखे ते अथ टंडी चरित्र उक्त बिलास, अथ चंडी चरित्र लिखे ते वार श्री भगौती जी की पातशाही दसवीं, अथ ज्ञान प्रबोध ग्रंथ लिखे ते अथ चौबीस अवतार, अथ बीसवा राम अवतार कथनंग, अथ कृष्णा अवतार, इक्कीसवो अवतार कथनंग बारह माहा, अथ खड़ग सिंह युद्ध कथनंग, अथ नर अवतार कथनंग, अथ निह कलंकी चौबीसवो अवतार कथनंग, अथ ब्रह्मा अवतार कथनंग, अथ रुद्र अवतार कथनंग, अथ पारसनाथ रुद्र अवतार कथनंग, राम कली पातशाही दसवीं, श्री मुखवाग सवैया पातशाही दसवीं, सवैया पातशाही दसवीं, और इस तरह अथ श्री शस्त्र नाम माला पुराण लिखे ते अथ पख्यान चरित्र लिखे ते जफरनाम है श्री मुखवाग पातशाही दसवीं। ये धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी की मूल स्वरूप दे विच बाणी और रचना है, जिसका सारा संकलन अमर शहीद भाई मनी सिंह जी, अमर शहीद धन धन बाबा दीप सिंह जी द्वारा किया गया और जिस दे स्वरूप उन्होंने अपने हस्त कमलों द्वारा आप हथी लिखे और संगतां दे विच दशमेश पिता जी की बाणी के शुद्ध उच्चारण दे और अर्थां दे प्रचार प्रसार दा आप जी ने बहुत वड्डा घालणा भरपूर कार्ज किया। मैं आप संगतां दी जानकारी हित दसना चाहुंदा हाँ कि 1897 ईस्वी दे विच श्री अकाल तख्त साहिब जी दे उत्ते एक पंथ दी सरप्रवानत सोधक कमेटी ने कई सालां दी मेहनत मशक्कत दे नाल ਇਹ ਕਾਰਜ ਬੜੇ ਵਿਖੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ 32 ਸਰੂਪ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਸਤਲਿਖਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜੋ ਸੁਧਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਸਰੂਪ ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਜੋ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੂਪ ਦੀ ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛਪਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਮ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਦਸਮ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹਸਤਲਿਖਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋ
दसम के सरूप छपवाए गए वह सब तो पहला सोध कमेटी द्वारा श्री अकाल तख्त साहिब जी और श्री अकाल तख्त साहब जी के उत्ते ही सारा कार्य होया और वो जिहड़े सरूप सन उन्हां सरूपां दे जिहड़े भाग है उन्हां दे आप जी नूं दर्शन कराए जा रहे हैं। जो सोध कमेटी वालों पहले सरूप श्री दसम ग्रंथ साहिब जी के छापेखाने के अंदर छपवाए गए उन्हां दे आप जी नूं दर्शन करवाए जा रहे हैं। सो साध संगत जी, इन्हां पावन साध संगत जी, ये दसम दी बाणी दी पहली सेंथी आप जी नूं जिस दे दर्शन करवाए जा रहे हैं और ये सेंथियां दमदमी टकसाल दे विच पुरातन समय तो अज भी मौजूद हैं। जे कोई सिंह जां विद्वान दर्शन करने चाहुंदा है जां कोई विचार करनी चाहुंदा है वो आ करके इन्हां दी विचार करो, क्योंकि ये जो सेंचियां हैं ये किस वक्त इन्हां दी सुधाई होई दमदमी टकसाल के 11वें मुखी महापुरख संत बाबा सुंदर सिंह जी भिंडरांवालियां दे समय जिन्हां सिंघां नूं दसम बाणी की संथ्या ते दसम दे अर्थ पढ़ाए जांदे सन उन्हां सिंघां द्वारा और उस तो उपरंत दमदमी टकसाल के 12वें मुखी सचखंड वासी महापुरख संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा भिंडरांवालियां ने इन्हां सेंचियां नूं ही अपने मुखारबिंद तों सारी दसम बाणी की कथा संगतां नूं सरवण करवाई और इन्हां सेंचियां की सुधाई करवाई और इन्हां सेंचियां द्वारा ही सिंघां नूं संथ्या करवाउंदे रहे। इन्हां सेंचियां दे नाल ही होर सिंघां ने भी दसम की बाणी की सुधाई की है। होर भी जथे दे विच बहुत सिंह सन पुरातन जिन्हां ने महापुरशां दे समय दसम की बाणी की आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की बाणी की संथ्या की, अर्थां की विचार की और दसम की बाणी के भागां की सुधाई की। मैं ये गल स्पष्ट कर देनी चाहुंदा कि ये सेंचियां भी उस समय दियाँ और जिन्हां सिंघां कोले अज भी पुराने सिंह मौजूद है उन्हां कोले भी उस समय दियाँ सुधाई कीतियां हुई दसम बाणी दियाँ सेंचियां अते अर्थ अज भी मौजूद हैं। पर यह सेंचियां उस सोध कमेटी वालों जिहड़े सरूप छापे गए उहदे आधार ते ये भाग जिहड़े आ श्री दसम ग्रंथ साहिब जी दे पहला और दूसरा ये छापे गए है। दूसरा मूल स्रोत साडे कोले तख्त श्री हजूर साहिब है। तख्त श्री हजूर साहिब जी दे पावन पंज प्यारे साहिबाना ने जिन्हां ने बड़ी मेहनत मशक्कत दे नाल श्री दसम ग्रंथ साहिब जी की सुधाई तख्त सचखंड श्री हजूर अबचल नगर साहिब नांदेड़ वालों पंज प्यारे साहिबान की सरप्रस्ती हेठ होई सम्मत नानक शाही 551 सम्मत सन 219 ईस्वी दे विच और इहदे विच भी तुसी दर्शन करो जो दास ने पहला लिस्ट आप संगतां नूं पढ़ के सुनाई है उही सारी इस दसम दियां सेंचियां दे अंदर सारा जिक्र किया होया। ये पहला भाग है। ये दूसरा भाग श्री दसम ग्रंथ साहिब जी का तख्त हजूर साहिब जी वालों छापे हुए है और ये भी मैं नाल नाल जिक्र करदे हां कि कुछ सरूपां दे विच जागत जोत जपै निसवासर एक बिना मन नायक नान है ये सवैया नहीं मिलता सी, पर ये सवैये पहले भागों में भी जो महापुरखों ने सधाई कराई उन्होंने आप शामिल कराया तख्त हजूर साहब जी के पंज प्यारे साहबाना वालों और उत्थों के जथेदार संत बाबा कुलवंत सिंह जी की रहनमाई हेठ इन पोथियों की बड़ी लगन और मेहनत नाल बहुत लंबा समा ला के सुधाई की गई और इस आधार पर उन्होंने वालों दसम बाणी के सरूप छापे गए। उन्होंने भी उस सवैया इन सेंचियों के इन भागों में शामिल किया। तीसरा प्रमाण है दमदमी टकसाल वालों जो पोथियां छापियां गई दमदमी टकसाल वालों जिन्हां पोथियां का प्रकाशन करवाया गया वो भी दास तुहानूं दर्शन करवा रहा है
और चंगी तरह सारे गुरसिख संगतां इन्हां पोथियां दे आप दर्शन कर सकते हो। इसलिए ये दूसरी संची दूसरा भाग दसम बाणी का है, इस करके इन्हां पोथियां दे दर्शन कराउण दा इको एक मेरा मुख मनोरथ है कि अज एक वावेला खड़ा किया जा रहा और ये पिछे बड़िया बड़िया साजिशां भी हो सकदियां कि दसम पिता जी की बाणी ब्रह्म कवच भी उन्हां दी बाणी है, उगरदंती भी उन्हां दी बाणी है और गोविंद गीता भी उन्हां दी रचना है। मैं संगतां नूं ये स्पष्ट कर देना चाहुंदा कि दसम पिता जी दे नाम ते बहुत रचनावां जिहड़ियां कई लिखारियां ने कई कवियां ने पंथ दे विच लंबे समय तो प्रचलित करन दी कोशिश कीती है, जिन्हां चों एक सुखा सिंह ग्रंथी तख्त श्री पटना साहिब वाले ने भी धन बाबा दीप सिंह जी दे नाम उत्ते एक सरूप अपने वल्लों लिखिया। उहदे विच इत्थे बस नहीं, उन्हें जिथे बाबा दीप सिंह जी वल्लों सरूप दे उतारे दियां बाणियां दा उस श्री दसम ग्रंथ साहिब दे विच उतारा कीता, उत्थे उन्हें बहुत ही वाधू रचनावां अपने वल्लों भी लिख के दर्ज कीतियां और उन्हां रचनावां नूं पंथ ने कदे प्रवान नहीं किया, ना ही पंथ ऐसियां रचनावां नूं कदे प्रवान कर सकता है। मैं ये बेनती कर देनी चाहुंदा कि चंडी वाहिगुरु उगरदंती और गोविंद गीता ब्रह्म कवच ये तादक जिन्नियां भी रचनावां इन्हां बारे आने वाले समय में दमदमी टकसाल दे सिंह विद्वान ज्ञानी सिंह पूरे खुलासे करनगे, संगतां नूं जानकारी देणगे। और दूसरी गल जिहड़ी गल ये प्रचलित की जा रही है कि जी सारा पंथ बैठ के इन्हां रचनावां दे उत्ते निर्णय पूर्वक फैसले लैण दा हक रखदा, ये लोग जाण बुझ के ऐसियां गल्लां कर रहे हैं। पंथ ने दसम बाणी उत्ते निर्णा दे दिता और ये निर्णा धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी दे हुकम विच अमर शहीद भाई मनी सिंह जी बाबा दीप सिंह जी वल्लों कर दिता गया। इस उत्ते किसी नूं भी कोई नुक्ताचीनी करन दा सवाल उठाउण दा जां दुविधा पाउण दा कोई अधिकार नहीं दिता। हुण मैं अगली गल ये कहनी चाहुंदा कि दमदमी टकसाल वल्लों पिछले दिन एक गल प्रचलित की गई कि दमदमी टकसाल वल्लों छापे नितनेम दे गुटकियां दे विच भी ब्रह्म कवच छापिया गया है। सब तो पहला मैं ये गुटका जो महापुरख दमदमी टकसाल दे 13वें मुखी सचखंड वासी संत ज्ञानी करतार सिंह जी खालसा जी ने सत्तां बाणियां दा गुटका छापिया सी अपने समय विच और उस गुटके दा रूप दमदमी टकसाल दे 14वें मुखी अमर शहीद संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वाले महापुरखां वल्लों छपवाया गया और दास भी जथे विच इन्हां गुटके साहिबानां तों ही असीं संथिया और नितनेम करदे रहे हैं। दमदमी टकसाल दे महापुरख संत बाबा गुरबचन सिंह जी खालसा, संत बाबा करतार सिंह जी खालसा, संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा और महापुरख संत बाबा ठाकुर सिंह जी खालसा, इन्हां महापुरखां दे कार्यकाल दे विच किसी भी गुटका साहिबान दे विच ब्रह्म कवच नाम की रचना शामिल नहीं की गई और आ सुंदर गुटका दमदमी टकसाल वालों बेअंत बाणियां दा इस विच भी ब्रह्म कवच की जां उगरदंती की कोई रचना शामिल नहीं की गई। और इस तो अगे दूसरा है सुंदर गुटका, इस विच भी ब्रह्म कवच आदिक रचनावां दा कोई जिक्र नहीं किया गया और इस दे नाल ही ये गुटका महापुरख संत बाबा ठाकर सिंह जी वल्लों छापिया होया है, उन्हां दे समय भी इन्हां गुटकियां विच कोई ब्रह्म कवच दा उल्लेख नहीं मिलता। इस तरह तख्त श्री हजूर साहब वल्लों जो हजूरी नितनेम दे नाम नाल गुटके छापे गए है इन्हां विच भी कोई ब्रह्म कवच नाम की रचना का उल्लेख दर्ज नहीं है। अमरीक सिंह अजनाले वल्लों जिहदा ये सुभा है कि हर समय घटिया किस्म की और होछी किस्म की बयानबाजी करता रहिंदा और उसने ब्रह्म कवच उत्ते भी बयानबाजी की है, उस व्यक्ति नूं इन्ना ज्ञान ही नहीं कि यह जिहड़ी ब्रह्म कवच की रचना है ये दशमेश पिता धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की रचना बिल्कुल नहीं है
और इस कदे भी प्रवान नहीं किया जा सकता। और दमदमी टकसाल के नाम से गुटके छाप के उन्होंने ब्रह्म कवच लिख देना, ये बिल्कुल दसम पिता जी की बाणी की घोर बेअदबी है और ये मनमत कही जा सकती है और ये हठ धर्मी की हुई है कुछ व्यक्तियों ने। मैं ये गल कह देनी चाहना कि ब्रह्म कवच नाम की रचना जिहड़ी है दमदमी टकसाल के किसी भी मूल स्रोत विच पोथियां विच गुटकियां दे विच इस दा कोई वर्णन कोई जिक्र नहीं किया होया, ना ही ब्रह्म कवच जथे दे विच सिंघां नूं कोई दी विशेष संथ्या पहले समय विच करवाई जाती रही। अज भी पुराने सिंह मौजूद है, ना संत बाबा गुरबचन सिंह जी वेले, ना संत बाबा करतार सिंह जी वेले, ना संत बाबा जरनैल सिंह जी वेले, ना संत बाबा ठाकुर सिंह जी वेले। अपनी मर्जी नाल कोई जिन्नियां मर्जी रचनावां पढ़े सानू किसे ते कोई इतराज नहीं, पर जिहड़ा व्यक्ति धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के नाम नाल बाहरलियां रचनावां नूं जोड़न दा यतन करेगा जां उन्हां रचनावां दे बराबर वाधू रचनावां नूं शामिल करन वास्ते कोई किसे तरह की हिमाकत करेगा उस नूं दमदमी टकसाल कतई भी प्रवानगी नहीं देगी। और ऐसियां गल्लां दे उत्ते पंथक निर्णयां की गल करनी ये बहुत होछापन है। इहो जे समय दे विच पंथक निर्णय दसो बाहरलियां रचनावां दे उत्ते कीते जाणगे, पंथ ऐसियां गल्लां नूं कदे भी प्रवान नहीं करदा। और मैं ये गल भी स्पष्ट कर देनी चाहुंदा दमदमी टकसाल वल्लों केवल इक्को इक साडा गुरमत साहित सदन अदारा श्री अमृतसर साहिब है जिस द्वारा दमदमी टकसाल वल्लों प्रकाशित सारी गुरबाणी दीआं पोथियां नितनेम दे गुटके जिन्ना भी लिटरेचर है सारा छाप के संगतां दे विच दित्ता जांदा। और 31 नंबर वाला सुखदेव सिंह नागोके उस वल्लों पिछले लंबे समय तो ये कुछ किया जा रहा कि वह दमदमी टकसाल के नाम से जिन्ना लिटरेचर छाप के संगतां नूं गुमराह कर रहा। और उहदे नाल होर भी कुछ व्यक्ति हैगे है जिन्होंने एक दो दुकानां उत्थे खोल के रखिया हुई, इन्हां व्यक्तियों बारे मैं देश विदेश दीआं संगतां नूं स्पष्ट कर देना चाहुंदा ये दमदमी टकसाल वल्लों कदे भी दमदमी टकसाल जथा भिंडरा मेहता वल्लों ये कोई मानता प्राप्त लोग नहीं हन, ना इन्हां वल्लों इन्हां दीआं दुकानां ते छापिया जांदा अपनी मर्जी नाल लिटरेचर वह दमदमी टकसाल वल्लों प्रकाशित ना समझिया जाए। संगतां देश विदेश दीआं संगतां सुचेत रहन क्योंकि अज ये दमदमी टकसाल के नाम से ब्रह्म कवच छाप के संगतां विच गलत प्रचलित कर रहे हैं नितनेम के गुटकियां विच, कल नूं ये लोग दमदमी टकसाल के नाम से होर भी रचनावां छाप के संगतां दे विच बहुत वड्डा भरम भुलेखा पैदा कर सकते हैं। इसलिए मैं तां संगतां विच स्पष्ट करन वास्ते बेनती करन लई हाजिर होया, संगतां इन्हां बेनतियां नूं प्रवान करन। जिस किसी ने भी कोई विचार करनी है दमदमी टकसाल के विद्वानों नाल बैठ के विचार कर सकदा और असी इस गल ते अटल और दृढ़ विश्वास रखते हैं। और इस गल दे उत्ते असी निर्णय पूर्वक फैसला किया होया कि दसम पिता जी की जो बाणी दसम दियां बीड़ां दे विच मौजूद है जां सेंचियां दे विच मौजूद है जिन्हों पंथ ने पूर्ण रूप दे विच प्रवान कर लिया उस उत्ते अटल ते अडोल पहरा दिता जाएगा। एक गल मैं होर कह दिया आप संगतां दे विच कि कई लोग ये गल कहण दा भी जतन कर रहे हैं जी जिहड़ियां बाणियां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच नहीं कि उन्हां नूं बाणियां ना मन्नियां जिहड़ियां बाहर लिखियां होईयां। मैं उन्हां नूं सनिमर बेनती करदा कि जिन्नियां बाणियां सतगुरु गुरु अर्जन देव जी ने भाई गुरदास जी तो लिखवाईयां, जिन्नी बाणी धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने तख्त श्री दमदमा साहिब धन भाई मनी सिंह जी तो धन बाबा दीप सिंह जी तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच दर्ज कराई और उस दमदमी स्वरूप नूं सतगुरां ने गुरता गद्दी का तख्त बख्शिश किया उस बाणी नूं गुरु की बाणी अते अकाली बाणी मन्निया जांदा, उस तों बाहरलियां रचनावां नूं गुरु की बाणी नहीं तस्लीम किया जांदा। आवहो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावहो सच्ची बाणी, बाणी तां गावहो गुरु केरी बाणी आ सिरबाणी। इस तरह दसम दे स्वरूपां विच भी जिन्हां स्वरूपां दे विच पंथ ने श्री अकाल तख्त साहब दे उत्ते बैठ के 1897 दे विच पूरा निर्णा कर दिता और उस निर्णय नूं दमदमी टकसाल ते पंथ ने प्रवान किया होया
उन्हां सरूपां तों उन्हां पोथियां तों अलावा जिहड़ी वाधू की रचना वह दशमेश दी धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की रचना कतई नहीं हो सकती और असी उस रचना नूं कदे भी दसम बाणी का हिस्सा नहीं बन देंगे। ये दास दियां बेनतियां सब ने प्रवान करनियां, भुलां चुकां खिमां करनियां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की।